विभिन्न सामाजिक मुद्दों और अल्पसंख्यक व दलित समाज के उत्पीड़न के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए आगामी 23 सितंबर को बहुजन परिवार के बैनर तले होने जा रही महापंचायत को लेकर आज विकास नगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। भारतीय संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच के संयोजक दौलत कुंवर की अगुवाई में हुई इस पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए दौलत कुंवर ने कहा कि प्रदेश और देश में पिछले लंबे समय से पिछड़े और कमजोर दबके का शोषण किया जा रहा है। खास अल्पसंख्यक और दलित समुदाय के लोगों को इसका शिकार बनाया जा रहा है, जिसके खिलाफ दिल्ली में आगामी 23 सितंबर को एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड सहित देश के तमाम राज्यों से 500 से अधिक संगठन के लोग शिरकत करेंगे, जहां इन मुद्दों को लेकर चर्चा करने के बाद संसद घेराव की रणनीति भी तैयार की जाएगी। कुछ कर रहे हैं क्या, कुछ मुद्दे हैं और कितने लोग वहाँ शामिल होंगे? देखिए, अभी हाल में 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से लाल किले से एक आह्वान किया और अमृत वर्ष जो मनाया गया, उत्सव मनाया गया, उनके जवाब देने के लिए जिस तरीके से राजस्थान के अंदर 9 साल के बच्चे को मार दिया और बिल्किस बानो के हथियारों को 15 अगस्त के दिन जेल से रिहा करके ऐसा स्वागत करवाया जिस तरीके से हो सकता है उन्होंने कोई मेडल जीत के लाया हो। और अभी हाल में ही कुमाऊं के अंदर जगदीश हत्याकांड, कितना जो 2 बार का विधायक का चुनाव लड़ चुका है वो लड़का, उसको किस तरीके से हथौड़े से मार मार कर मौत के घाट उतारा, इसी को लेकर लगभग 500 संगठन कनाड प्लेस के पास पंचकुया रोड अंबेडकर भवन ग्राउंड में 23 तारीख को एक महापंचायत करने जा रहे हैं कि जिस तरीके से SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के, विशेष करके मुस्लिम समाज, सिख समाज और ईसाई फारसी समाज के लोगों के साथ में अत्याचार अन्याय हो रहे हैं, उनको इंसाफ दिलाने के लिए हम उस दिन एक निर्णय करेंगे ढोल दमाने के साथ में। उसके बाद हम सीधा, जिस तरीके से निर्भया हत्याकांड में इंसाफ की बात हुई है, संसद भवन घेराव कार्यक्रम के लिए हम कूच करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।